तो केरल में दिन की शुरुआत कॉफ़ी से होती है जी, और बिना दूध वाले कॉफ़ी से होती है। सो ट्रेडिशनली सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं केरला में, तो अराउंड 5 o'clock सबसे पहले ये चढ़ता था। उसके बाद फिर बाकी जो भी काम होता है वो लोग करना शुरू करते हैं। तो वैसे कॉफ़ी है, कॉपी है, ये कट्टन कॉपी है। कट्टन कॉपी, इसका क्या मतलब हुआ? कट्टन मींस आई थिंक प्लेन कॉफी, प्लेन कॉफी विदाउट मिल्क। कट्टन मींस विदाउट मिल्क। कॉपी इज मलयालम फॉर कॉफी, और कट्टन मींस कट्टन चाय भी बनता है, सो विदाउट मिल्क। सो कट्टन कॉपी, कट्टन चाय, सो एनीथिंग विदाउट मिल्क इज कॉल्ड कट्टन। ये बहुत यूनिक होता है केरला, मैंने सिर्फ केरला में पिया है और कहीं मैंने ऐसे देखा नहीं है किसी को पीते हुए। कि आप तमिलनाडु में जाएंगे, वो जितना भी सुबह होंगे दिल्ली आपको वो फिल्टर कॉफ़ी ही देंगे, पर केरला में आपको सुबह सुबह, जैसे मेरे नानी के घर में, दादी के घर में, वेकेशंस में हम जब जाते थे तो हमको सुबह सुबह, ये बच्चों को भी दिया जाता है बिकॉज इसमें कैफीन का कॉन्टेंट बहुत कम होता है, सो इट्स लाइक अ पिक मी अप। तो मेरा छोटा बेटा भी पीता है, तो इट्स अ नाइस थिंग। मेरा सर केरल, आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सब जगह पे कॉफ़ी का ज़्यादा कंजम्पशन है, प्लांटेशन ज़्यादा है कॉफ़ी का। यस, टी का भी हो रहा है बट ट्रेडिशनली कॉफ़ी ज़्यादा लोग पीते हैं। चाय भी मिलता है केरला में, मतलब आपने देखा होगा आपके बैक पैक। जैसे इधर हम देखते हैं यहाँ पे उबाल उबाल के पीते हैं, वैसे नहीं है वहाँ पे। चाय की पत्ती अलग से उबाली जाती है, दूध को अलग से उबाला जाता है, फिर छान के दोनों को मिक्स किया जाता है। और केरल में तो मुन्नार फेमस है टी प्लांटेशन के लिए। इट्स नॉट वेरी, आपको ये बहुत हैवी या कड़वा, जैसे आप बिना चीनी के पी रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या क्या, ये तो वर्ल्ड फेमस है, बनाना चिप्स है जो इट्स अ स्टेपल, हर मलयाली के घर पे आपको ये ज़रूर मिलेगा। द वन द राउंड शेप इट्स कॉल्ड मुंदरी कुत, इट इज़ क्या कहते हैं उसको, जो मूंग दाल होती है, हरी वाली मूंग दाल को रोस्ट करके उसको फाइनली पाउडर करते हैं, उसमें हम जैगरी और इलायची का पाउडर मिक्स करके उसको ऐसा गोला बनाते हैं, गरम गरम जब हो जैसे लड्डू बनाते हैं वैसे उसको गोला बना के राइस के बैटर में थोड़ा हल्दी पाउडर सब डाल के उसको हम फ्राई करके निकालते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मुंदरी कुत एंड दैट इज़ बनाना फ्रिटर्स, मलयालम में उसको एतपड़म कहते हैं। उसको अगेन हम चावल के आटे में घोल बना के उसको ऐसे फ्राई करके निकालते हैं। सो दिस इज़ नेशनल फेवरेट ऑफ ऑल मलयालीज आफ्टर दिस। ऐसा मैंने किसी को नहीं देखा जिसको एतके अप्पम या परमबोरी, दो नाम से जाना जाता है ये, तो वो है ये। मुझे याद आ रहा है इसको साथ में, मैंने केरल में मीट के साथ भी खाते हैं इसको। हाँ हाँ हाँ, नॉर्थ ऑफ केरला में लोग मीट के साथ खाते हैं, मतलब पका हुआ केला, राइप एंड वेरी वेरी राइप, जो नॉट नॉर्मल राइप, जो बहुत ज़्यादा पक जाता है उसका बनाएंगे तो ज़्यादा स्वीट रहता है। कहीं कहीं पे ये मैदे में बनता है पर मेरे घर पे मम्मी सब चावल के आटे से बनाती है तो मैं भी उसी से बनाती हूँ। सो वी पुट अ लिटिल, इट्स ऑल द स्वीटनेस ऑफ द बनाना। शक्कर डालने की, इसीलिए हम एक्स्ट्रा राइप बनाना लेते हैं ताकि फिर शक्कर डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत बढ़िया बना हुआ है, बिल्कुल क्रिस्प। ये बनाना चिप्स, ये तो इट्स अ स्टेपल, आपने हर जगह खाया होगा इसको। हॉट चिप्स के नाम से शॉप रहती है ना। दिस इज वेरी ट्रू एंड रूम, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इसमें जैगरी, चीनी के बदले जैगरी शक्कर और उसमें इलायची डाल के बनाया जाता है। इसके अलग अलग वेरिएशंस आपको मिलेंगे जैसे तमिलनाडु में, पर ये मेरी दादी के घर पे ऐसे बनाया जाता था तो मुझे याद आई तो मैंने
इसके खाने का कोई समय नहीं है, कभी भी खा सकते हैं, कभी भी खा और ठंडा भी खा सकते हैं। आप फ्रिज में रख लीजिए, दो दिन बाद निकाल के खा लीजिए। फर्स्ट स्टेशन इन केरला इज पालक्काड, तो वहाँ पे सबसे 6 बजे ट्रेन पहुँचती है। तो हम भी जब वेकेशन में जाते थे तो हम सिर्फ वेट करते कि कोयम्बतूर ख़त्म हो, पालक्काड आए और हम ये खाएं। तो हमको नाश्ता नहीं करना होता था, हम वहाँ से लेके जब तक हमारा डेस्टिनेशन नहीं पहुँचता था हम यही खाते। Food memories. Yeah. आप लोग कब से यहाँ पे रह रहे हैं दिल्ली में? मैं तो यहीं की हूँ, मतलब मैं यहीं की हूँ। ये 1994. आपका बर्थ प्लेस केरल है, ट्रिवेंड्रम, और आपका दिल्ली? मेरा दिल्ली। मैं पेरेंट्स दोनों यहाँ पे वर्क करते थे, तो मैं यहीं पे हूँ, मेरा स्कूलिंग भी सब यहीं पे हुआ। लॉ मैंने ट्रिवेंड्रम से किया था एंड आई कम बैक। हमारी शादी भी केरला में हुई थी, पर शादी को 20 साल हो गए तब यहीं पे हैं, वापस हम शादी करके हम यहीं आए। दिल्ली में काफ़ी केरलाइट्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट 10 लाख, 1 मिलियन के लिए। गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, जैसे मेरे नाना जी ही वॉज इन द ब्रिटिश आर्मी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनकी पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी, ही सेटल इन दिल्ली। तो हम लाइक ऑल माय मामा मामी एवरीबॉडी दिल्ली में ही थे। आजकल अभी तो कोई एक ही मामा जी रहे हैं दिल्ली में, बाकी सब वापस चले गए। बट इसका इस तरह हम सब दिल्ली के ही हैं लाइक। मतलब पहला तो हुआ जब 1911 में कैपिटल शिफ्ट हुआ, उस समय काफ़ी केरला से लोग यहाँ पे आए एडमिनिस्ट्रेशन मोस्टली। हाँ, ICS ऑफिसर्स, इंडियन सर्विस सर्विसेज में। उसके बाद 1942 में लोग कहते हैं काफ़ी लोग आए, हाँ, जब आर्मी के सप्लाई के लिए। मेरे नाना जी भी वैसे ही थे, लाइक ही आल्सो केम, उनका भी दिल्ली में पोस्टिंग था, तो वैसे करके जो भी आर्मी में थे उनको इधर उधर सब नौकरी सब मिला, और फिर उनके बच्चों को भी सरकारी नौकरी मिला लाइक। वैसे करके अगर आप देखोगे तो आपको थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन मलयाली दिल्ली में बहुत मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट हो गए हैं आगे। पहले सब थोड़ा सा लाइक आपको सर्टन पॉकेट्स में ही मलयालीज दिखते थे, अभी आपको हर दिल्ली के हर जगह पे आपको मलयालीज दिखेंगे। उनके एसोसिएशंस हैं, चर्चेस हैं, टेम्पल्स हैं, अलग से उनका कल्चर बहुत अलग है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। अगर आप साउथ में जाएंगे तो ऑफ ऑल द 5 साउथर्न स्टेट्स हर सबका कल्चर भी बहुत अलग है, खाने का स्पेशली टेम्पल। हमारा पूजा करने का तरीका भी बहुत अलग है एज़ कम्पेयर टू इफ यू गो टू तमिलनाडु टेम्पल एंड यू गो टू दिल्ली केरला टेम्पल। उनका जो आराधना सब होता है उसका भी तौर तरीका अलग होता है। वी हैव अ डिफरेंट, जैसे तमिलनाडु में सारे प्रीस्ट आयर्स और आयंगास होते हैं, केरला में वी हैव अ डिफरेंट ब्राह्मण कम्युनिटी, दे कॉल्ड नंबूदिरीज। तो वैसे करके जैसे आपको यहाँ का जो गुरुवायूर टेम्पल है मयूर विहार का, दैट्स एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ व्हाट इज देयर इन केरला। उतने बड़ा नहीं है केरला का, एंड इट्स वेरी क्लीन, आई थिंक इट्स द क्लीनेस्ट टेम्पल इन दिल्ली। और आप सिर्फ दिल्ली का नहीं देखोगे, आप नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद में भी देखोगे तो आपको बहुत सारे मलयालीज दिखेंगे। फरीदाबाद में बहुत मलयालीज है, मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ। Snake God? Yeah, it's not easily available in Delhi, mostly in Uttarakhand I have seen that. Okay, no, we use it for avian and sambar. And if it's not for sadhya, then we use it to make something called toran, which is like the coconut rice stir fry, drumsticks. This is the banana. This is the raw version of it, which we again put it in avian. And I had made one more curry to show. It's called kalan. It's a very thick curry-like thing. So this goes into this. This is a ripe version of it. This is what here they call chini kela, elaichi kela. It's called Chinese cucumber, if I'm not mistaken.
but we use that in sambar and avial and lots of other vegetables. Sadhya exactly hai kya? Sadhya actually is a feast. So sadhya ka matlab hota hai feast. In Malayalam we call it sadhya. Uska English word would be feast. Ki matlab aapko sab kuch jo ye mahina hai hamare calendar ke hisab se isko hum chingam kehte hain. चिंगम का महीना अभी है हमारा लाइक इट स्टार्टेड ऑन 17th ऑफ अगस्त और अभी ये सितंबर से 16th तक चलेगा 28, 30, 29 डेज का तो वी सेलिब्रेट ओणम चिंगम के महीने में सो 10 डेज का ओणम होता है स्टार्ट्स फ्रॉम अ तिथि कॉल अत्तम एंड तिरुवोणम इज द डे वेयर वी हैव द मेन ओणम और हम महाबली का स्वागत करते हैं आपने स्टोरी सुना होगा वामन अवतार विष्णु का सो ही पुशेस महाबली इन टू पाताल लोक तो उनको परमिशन दिया गया था कि आप साल में एक बार जाके अपने प्रजा को देख सकते हैं तो वी हमारा ये ओणम सेलिब्रेट होता है हम पूरे घर को साफ करते हैं जो फ्लोरल डिज़ाइन आपने देखा था वो सब हम करते हैं और ये स्पेशल फीस्ट हम महाबली के लिए करते हैं कि महाबली आएंगे हम सबसे मिलेंगे और वापस पाताल चले जाएंगे सो दिस इज़ ऑल अ वेलकमिंग थिंग फॉर महाबली कि और इससे जो पहले का महीना होता है तब मॉनसून्स होता है केरला में सो एवरीबडी पहले सब यूज़ टू लिव इन एब्जेक्ट पावर्टी तब क्योंकि कोई बाहर जाके काम नहीं कर सकता था कोई कुछ नहीं कर सकता था घर में जो राशन होता था उससे मैनेज करना होता था पर उसके बाद सडनली स्काई एक्चुअली लिटरली क्लियर अप हार्वेस्ट होता है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है तो सबके पास अबंडेंस होता है तो फिर ओणम सेलिब्रेट किया जाता है So there are two ways. There's welcoming Mahabali and that's a harvest festival. Hamare side mein, where my parents are from, wahan pe sab vegetarian hota hai. Par agar aap north of Kerala jayenge, Kannur and everywhere, wahan pe aapko sadhya mein non-veg bhi milega. Hamare side mein, we don't serve. Because hum ye bhagwan ko bhi chadhate hain, to hamara pure vegetarian hota hai. North mein aap jayenge to fish, chicken, meat, aapko sab milega. मैं आपको पहले सांबार का मिक्स दिखा देती हूँ ये सांबार के वेजिटेबल्स हैं सारे इसको मैंने अलग से उबाला है सब कुछ सांबार की कोई स्टैंडर्ड रेसिपी नहीं है ये हर स्टैंडर्ड नहीं ये हमारे मेरी मम्मी जैसे बनाती है मैं आपको वैसे ही दिखा रही हूँ तो ये हमारे घर में ऐसे बनता है इसमें आपको कैरेट आलू सफ़ेद वाला पेठा पम्पकिन ड्रमस्टिक और ये जो वेजिटेबल मैंने आपको बताया स्नेक गॉड बैंगन सब डालता है सो दिस इज़ ऑल कुक्ड ओवर कुक नहीं किया जाता है हम इसको सिर्फ थोड़ा सा हल्दी थोड़ा सा मिर्च का पाउडर और नमक डाल के हम इसको उबालते हैं अरहर दाल है अरहर की दाल परिपू मींस एनी दाल एनी पल्स इज कॉल्ड परिपू मैंने इसको दोनों को सेपरेटली कुक कर लिया नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स सारा कुछ हम अब मिक्स करेंगे इसको हम बैलेंस करेंगे फ्लेवर्स को सांभर का एक अलग डिस्टिंक्ट एरोमा होता है हाँ वो हींग से आता है हींग और वेजिटेबल्स में आता है वो आप इसमें ज़्यादा वेजिटेबल्स भी नहीं डाल सकते कम वेजिटेबल भी नहीं डाल सकते इट हैज़ टू बी अ बैलेंस और ये सांबार पाउडर और हींग का ही वो होता है और इसे आप ये छोटे वाले ये जो मद्रास अनियंस डालेंगे वो उससे आपको सांबार और फ्लेवरफुल बनेगा इसे आप दूसरा वाला जो नॉर्मल प्याज है वो डाल सकते हैं बट दिस क्रिएट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ टेस्ट एंड फ्लेवर एंड ऑल दैट ये जब उबल जाएगा हम इसमें थोड़ा सा टमाटर और ऑप्शनल होता है जैसे मेरी मम्मी इमली रोज़ हर बार नहीं डालती है कभी कभी डालती हैं जैसे अगर आप टमाटर नहीं डाल रहे तो आप इमली डालिएगा या आप नहीं तो थोड़ा टमाटर डाल सकते हैं थोड़ा इमली डाल सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मैं थोड़ा सा इमली डाल के आपको दिखा रही हूँ नहीं तो हम जनरली सिर्फ टमाटर डालते हैं घर पर तो ऑलमोस्ट 3 टमाटर मैंने डाल दिया है इसमें ये इमली का पानी है ये मैं इसके साथ मिक्स करके जस्ट ऐड ये थोड़ा सा इसमें ऑलरेडी डाला हुआ है ही बट जस्ट
टू अगर कुछ कहीं पे कुछ कमी है? गर्म पानी, गर्म पानी इज नॉट नेसेसरी, पर आप घोल जरूर बना के डालें, सीधा उसमें ना डालें, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ये अवियल, ये अवियल है, इसमें आपको यही ये फिर जिमिकन, कैरेट, लोबिया की फली, आपको जो सब्जी, कोई कोई लोग करेला भी डालते हैं, हम नहीं डालते हैं, आपको जो सब्जी डालना है या नहीं डालना है उसके हिसाब से आप अवियल बना सकते हैं। अवियल मिक्स वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल इन कोकोनट ग्रेवी टू पुट इट सिंपली, बट अगर आप नेचुरोपैथी में देखा जाए तो दिस इज अ हेल्थ फूड, बिकॉज एक तो इसमें कोई मसाला नहीं जाता, सिर्फ थोड़ा सा नारियल जाता है और फिर इसमें बहुत सारा वेजिटेबल्स रहता है। ये अभी अच्छी तरह उबल गया है, अब हम इसमें सांबर पाउडर का ये जो घोल है ये सांबर मसाला, हाँ जब ये बिल्कुल अच्छी तरह बॉईल हो जाएगा, 10 अराउंड 10 मिनट्स विल बॉईल इट नाइसली, क्योंकि जितना आप उसको सांबर का टेक्निकली आप उसको जितना अच्छी तरह आप उसको उबालोगे उतना अच्छा टेस्ट उसका आएगा। हरी मिर्च, नारियल और जीरा, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, ये जो छोटा वाला प्याज काट के रखा है ये आप एक बस। अब बना रहे हैं सांबर का तड़का, तड़का मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड सीड्स। भी अच्छी तरह इसको थोड़ा सा ब्राउन होना है और फिर हम इसमें डाल देंगे इसको, तो दिस सांबर इज रेडी। सांबर तैयार है, सांबर तैयार, रेड राइस है, इट्स वेरी डार्क पिंकिश इन कलर, और इसको अच्छी तरह हम धो के हम उसको उस फॉर्म में लेकर आते हैं। सो अवियल का नारियल जो हमने पीसा है, इट लुक्स लाइक दिस, नाउ वी ऐड इट टू द अवियल। सी ऑल द वेजिटेबल्स आपको, अब हमको ये नारियल डालना है। Just let this cook for 5-10 minutes. Koot curry. Yeah, koot curry. ये हर जगह पे अलग अलग तरीके से बनता है, मनु के घर में ये ऐसे बनता है तो इसीलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। अभी प्याज डालो, शैलट, शैलट, हम इसको अब हल्का सा फ्राई करेंगे। ये थोड़ा सा मीट जैसे बनता है, इसका जो फ्लेवर आता है वो थोड़ा सा मीट जैसा है। सो इन द स्मॉल मिक्सी वी ग्राइंड, हम थोड़ा सा सिनेमन और सौंफ को हम पाउडर करके हम इसमें जब ये फ्राई हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे। सौंफ और दालचीनी, दालचीनी को पाउडर, और हम इसमें मसाले, बाकी मसाले डाल, हल्दी, जैसा हल्दी, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब ये देख लीजिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, हम इसको मिक्स करेंगे। मतलब सब्जियां टूटनी नहीं चाहिए, आइडियली नहीं टूटना चाहिए, मेरा टूट रहा है। अभी ये ऑलमोस्ट हो गया है, हम इसको 5-6 मिनट और पकाएंगे, ऊपर से कोकोनट ऑयल डालेंगे और कड़ी पत्ता डालेंगे, एंड दैट्स इट। अब इसमें हम बॉईल किया हुआ आलू डालेंगे, कुट्टी करी,
कूटकर अलग अलग तरीके, लोग अलग अलग तरीके से ये बनाते हैं. सबका अलग, कोई कोई पम्पकिन और काला चना डाल के बनाता है, कोई जिमिकंद और काला चना डाल के बनाते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू वांट टू डू इट. सो द लिटिल बिट ऑफ ऑयल ऑन टॉप, थोड़ा सा तेल डालेंगे, कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, करी पत्ता. सो दिस इज डन. इसको क्या बोलते हैं? इसको पचड़ी कहते हैं. तो ये थोड़ा सा पाइनएप्पल लिया है मैंने, इसको मैंने हल्दी, नमक और थोड़ा सा चीनी डाल के इसको मैंने उबाल के रखा है. अब हम इसमें नारियल डाल के पीस के, थोड़ा दही डाल के इसको तड़का लगा के निकाल देंगे. हम दो पचड़ी बनाएंगे, एक पाइनएप्पल का है और एक भिंडी का है. ये मैंने पहले फ्राई करके रखा था, भिंडी और हरी मिर्च. तो इन दोनों का हम वो बनाएंगे. दिस इज़ डन. थोड़ा सा हम इसमें कोकोनट मिल्क डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा. हर एक चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ऑयल इस्तेमाल कर लेते हैं, कोकोनट मिल्क इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारे लिए बिना कोकोनट के कुछ नहीं, स्वीट्स इस्तेमाल कर लेते हैं, सब्जियों में इस्तेमाल कर लेते हैं. इट्स अ स्टेपल, मतलब आप बिना कोकोनट के आप कुछ नहीं बना सकते. कोकोनट मिल्क थिक वाला डाला है हमने, तो उसके बाद हम उसको गैस ऑफ करके डालते हैं, नहीं तो वो फट जाता है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो नाउ हम इसमें, इसके लिए और इसके लिए सेम मिक्सचर है. सो इट्स कोकोनट, हरी मिर्च और जीरा, थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा वो है. कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड सीड्स, हम आप इसको बंद करके हम थोड़ा सा फेटा हुआ दही डाल देंगे और मुझको चला देंगे, नहीं तो दही फट जाएगा. तो इट बी वेरी, उसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है. अब इसमें तड़का, हाँ, तेल है, सो हम जस्ट पुटिंग अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल. थोड़ा तेल डालिए, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड डालिएगा आप उसे. इसमें थोड़ा सा हम मिर्ची डालेंगे, थोड़ा सा हम कड़ी पत्ता डालेंगे. तो रेगुलर डेज क्या घर पे बनाते हैं खाने के लिए? यही सब बनता है, बट इतना एलैबोरेट नहीं बनता है, थोड़ा सा इधर उधर आगे पीछे कम, मतलब वैसे. सो यही सब बनता है. और अगर आप मलयाली किसी के भी घर में जाएंगे, आपको किसी का परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस ही मिलेगा आपको. हम इसमें भिंडी डाल रहे हैं, इसमें हम कोकोनट पिसा हुआ नहीं डालेंगे, ठीक है? दही, दही, सिर्फ दही. इसको अभी थोड़ा सा हम गरम कर देंगे, थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे. ये प्रोसेस थोड़ा अलग किया ना, पहले उस वाले पचड़ी में तड़का अलग बनाया था. वैसे ही बनता है ये, पर मैं आपको एक शॉर्टकट दिखा रही हूँ, बिकॉज़ ये मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती है, बिकॉज़ उनको बहुत पसंद है. तो अब हर बार इट्स नॉट पॉसिबल शॉर्ट नोटिस में सब कुछ करने को. सो शी आई थिंक डिस्कवर्ड दिस शॉर्ट मेथड ऑफ डूइंग इट. जीरा पाउडर डाल सकते हैं. अभी भिंडी इस दही में डाल दी, भिंडी को हमने इसमें डाल. ये भिंडी से कर सकते हैं आप, करेले से कर सकते हैं आप, करेले का भी बनता है. ये टेस्ट सेम ही रहता है, सिर्फ वो को इट्स जस्ट मिसिंग सम कोकोनट. ठीक है, अब हम इसको मिक्स करेंगे, ये थोड़ा सा येलोइश हो जाएगा. डन. यस, क्या बोलते हैं इसको? उरली. पायसम के लिए ही ये टेम्पल्स में सब यही यूज किया जाता है. गुड़ और दाल, गुड़ और दाल, चने की दाल, गुड़, साबुदाना. पायसम भी कई तरीके का बनता है. पायसम बहुत तरीके से बनता है. चना दाल होता है इसमें. हाँ, चना दाल का बना सकते हैं आप, मूंग दाल का बना सकते हैं. हम इसको अब उबालेंगे.
हॉट बटर और ड्राई जिंजर, ड्राई जिंजर, थोड़ा सा घी डालेंगे, थोड़ा सा। इसमें हम पहले हमें नारियल को फ्राई करके निकालेंगे, इलायची पाउडर है थोड़ा सा हम डाल देंगे। ये देखो अभी बिल्कुल पतला हो गया, जैसे ही ठंडा होगा बहुत विस्कस हो जाता है ये। अब ये हो गया है, अब मैं इसको, मैंने ऑफ भी कर दिया है, अब मैं स्लोली आई पुट द थिक कोकिंग बिकॉज आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ फटना जाए, तो इसीलिए। आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको फिर से गर्म करना है तो आप गर्म कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहते हैं दैट्स फाइन। तो मैं एक बार गर्म कर देती हूँ इसको, पर कॉन्स्टेंटली हिलाते हुए, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ दोगे तो आपका दूध फट, मतलब वो पायसम फट ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये हम इसमें डाल देंगे, इसको ऊपर ऐसे तैरेगा ये, घी, हाँ घी और नारियल दोनों, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ वो घी का ही है, अब हम इसमें थोड़ा सा और घी डाल के, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हल्का सा घी डाल के हम अब इसको भी फ्राई करके इसमें डाल देंगे। आपका पायसम रेडी है, काजू और किशमिश, काजू और किशमिश। चलिए पायसम तैयार हो गया। इस पायसम का कुछ नाम भी है, इसका कड़ला प्रदमन, प्रदमन कहते हैं, तो ये वो है परिप्प, लिखते पीपी यू है, बोला परिप्प जाता है परिप्प। तो दिस इज मूंग दाल, जो टूटा हुआ आता है ग्रीन, जो उससे बनाया है मैंने, मैंने उबाल दिया है। अब इसको जब उबल जाएगा, ये नारियल का पेस्ट इसमें डाल के एक और बार उबालना है, नो तड़का, इसमें कुछ तड़का नहीं लगता है, सिर्फ थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या घी जो आपको पसंद है वो आप डालिए, कड़ी पत्ता डाल के लग। So if you generally see, some people say it's acidic to the alkali, I'm not sure about it. But you see that, no, the pickles, then you'll find the curd, then you have bitter gourd here, karela, then you have the, so there is a method here. And when you're eating, so you want, for example, you want a little bit of spicy ginger here, so you sort of like take it in your finger and you know, you don't mix it, you rather keep flavor adding from each of this dish to what you already have here. And the rice also, like, we take a larger portion, I'd suggest, because you will be using the same set of rice into, you know, different portions. So we'll just, as we go along, we'll help you out. Aapki left side mein you have pickle, it's a lemon pickle. Then this is freshly made cut mango pickle, made at home. This is a very specialty of Malayali, it's called inji curry. Inji is, you know, is ginger, and the legend has it that this one dish is equivalent to 100 dishes. There is a legend behind that. Not go there. Then of course you have seen the pachadi and the beetroot pachadi and the khichdi, right? And this is a milk variety with karela and long beans. Then you have the cooked curry. Then avial, which is our own mixed vegetable, melange of vegetables here. Then you have the toran and the erisheri. Again, a very special Malayali specialty made of pumpkin. And this is kaal. This is olen. This is served when you sit down.
सबसे पहले सर्व में कैसे चले टिल रानी चाहे कैसे भी बना लूं सो इट्स ऑलवेज सर्व वन से सेट मैं आपको देख देख के खाता रहूंगा और यू वांट अ लिटिल बिट ऑफ थोरिन सो दैट डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट Try the ninja curry because you know this is something that you should do like this. I'd rather do like. It's a palate cleanser and a digestive. Wow. It's very. That's a very unique taste. Hey, Karela. Karela, you can so that it's some sort of a break. Thoda bitter. That she added for variety, you know, so that. So Sadhya mein this number of dishes vary karta hai. So I don't know exact, but I read somewhere once that I think about 26 dishes is the minimum. I mean, I'm not an expert, but I don't know. But I have attended feasts where people have served much more than that. One thing that was missing is namak. So usually on one side of the beef they always put a little salt. So that's for individual taste. More salt. And next, kuch bhi mila ke kha sakte hain. Kuch bhi. And now koi, you have sambar. You are the master. Next okay. is sambar. And some logistical issue here. Most people find it difficult because things can get runny like this. Right? So what you do is you can take one of this. Insert it under, so you keep the leaf. अच्छा, ये बाहर. Or you can put that banana also if you want, so that you keep everything inside. That just a little secret. पचड़ी थोड़ा खट्टा है, हल्का दही के कारण. Because it's supposed to be sour, so you want sweet, sour, spicy, everything. All the flavors. All the flavors. So this is bitter. ये खट, ये सामान अच्छा है बिल्कुल माइल्ड टार्ट सो व्हाट आई डू इज इट लुक अ लिटिल सो व्हाट वी डू इज वी जस्ट कीप इट वन साइड राइट दिस राइस फॉर द लेटर ऑफ कोर्स कीप द प्लेट क्लीन एंड वेट फॉर आवर पायसम दिस इज द पाल पायसम व्हिच इज द मिल्क बेस्ड वन मिल्क एंड शुगर And this, of course, you saw the jaggery and coconut milk with lentils, right? Yeah, it will not fall. Yeah. Now you just sort of make a mash out of it, mix it, and then eat that. So I just mix it. Super. Majority of the Malayalis don't eat it this way. I mean, at least a few years ago. I mean, when I was there. Oh, this is amazing. बहुत ही उम्दा. Sloping some. We don't care. Sitting next. You. Then you try to hold it. It will not come into your hand. Yeah, that's fine. So difficult to do. That's really tasty. The taste is different, isn't it? You can never mix that along in a glass. So yeah. And that first two bites are actually tasty. I mean, it's very, very tasty. So there are no rules how to eat, and this is the way I like it. Some people prefer it along with the banana. I prefer it with a bit of papadam. Sweet and salty. Yes. So some famous film actor had put a post. People say you get high with cocaine, give them three paisams and see. Wow. Bhayankar meetha hai. Bahut meetha. Kitna meetha banaya jata hai. This has to be sweet, otherwise nobody will eat it. And some places even more. So it doesn't stay for long. It gets soggy very quickly if you keep it open. And now that we have done, now we move on to the rice again, right? Sure. Here, we will rather use it
I prefer this. Achha. So it's more of a digestive kind of thing. The buttermilk. Yes. Now you're winding it up. Now there's nothing more left. All you have to do is go home and sleep. So I prefer this mango spicy mango because it really takes off that sweet. Mm-hmm. We do have sadhyam not only for Onam but also for Vishu, which is our which coincides with Bihu and Baisakhi. That's our New Year. That's our New Year. Then birthdays. We celebrate our star birthdays, not the Malayali star birthdays, rather than the English. जो आपका calendar में जो तिथि दिखाई देता है, that is that. So जो आपका birth month होता है उसमें most of the Hindus would celebrate that. So we all know on which Malayalam star we are born and which Malayalam month. Because this is the Malayalam month of Chingam. You know where Onam comes. अपने तरफ. उल्टा, उल्टा, always उल्टा. अच्छा. Start from there and fold it. Just keep it. That's all. Done. बहुत ही fast experience रहा ओनम साध्या का. पता नहीं चला कब शुरू हुआ तो खत्म हुआ. आए किसके? नहीं हमारे मलयालीज में ऐसे ही होता है. शादी भी आओ शादी के लिए भी आप आओगे तो 5 मिनट में शादी हो जाती है. लोगों को पता भी नहीं चलता अच्छा शादी हो गई एंड फिर हमको बताना पड़ता है हाँ हो गया चलो चलो खाना खाने चलो. तो बहुत फास्ट मूविंग है. ऐसा नहीं है कि आप बैठ के रिलिश करके आराम से इत्मीनान से नहीं खा पाओगे आप क्योंकि वो कोर्सेज आता रहता है और यू हैव टू मूव क्योंकि वो एक रो में ही सबको डलता है. तो ऐसा नहीं है कि आप होटल में बैठ के आराम से खा रहे हो. आपको सबके हिसाब से ही खाना पड़ता है. फास्ट तो था लेकिन काफ़ी डिसिप्लिन्ड है. मतलब किस तरह से खाना है कौन से ऑर्डर में खाना है कौन से हाँ, वो सब किस तरह से लीफ को फोल्ड करना है. हाँ वो सब मतलब अगर आप उल्टा फोल्ड करोगे उसका मतलब ये है कि आपको खाना पसंद नहीं आया है. पर उसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है क्योंकि अगर आप फोल्ड लीफ को इस तरह फोल्ड करोगे और आप उठोगे और कुछ टेबल में कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो सारा खाना आपके ऊपर गिरेगा. तो इसीलिए लीफ को उस तरह फोल्ड करते हैं कि अगर आप उठोगे और टेबल पलटी भी तो वो उस नीचे गिरेगा आपके ऊपर नहीं गिरेगा. मतलब लॉजिकली स्पीकिंग वैसा है. बट हाँ एवरी डिश जो भी सर्व किया जाता है उसके बीच में बहुत लॉजिक है. बहुत साइंस इन्वॉल्व्ड है. बहुत न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्ड है. एंड जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं उसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है. मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. फास्ट था लेकिन खाना खाने में बहुत मज़ा आया. सभी चीज़ें बहुत ही उम्दा थी और सबका मतलब कहते हैं कि आप जो भी फ्लेवर्स एक खाने में होने चाहिए सभी थे. नन्नी नमस्कारम. नन्नी नमस्कार.